गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक पसंद भाग दो यानी कक्षा सात का आठवां पाठ। इसका नाम है श्याम एक किसान। और बच्चों ये एक कविता है और इस कविता के जो हमारे कवि हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कवि कौन है इस कविता के? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसमें इन्होंने जाड़े की यानी ठंडी का जो मौसम होता है जाड़े की शाम का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जाड़े की जो हमारी शाम होती है उसका बहुत सुंदर सा चित्रण किया है उन्होंने। उस शाम को जो उस शाम के समय पहाड़ जो सामने दिखता है उसको एक किसान के रूप में चित्रित किया है, जैसे एक किसान बैठा हुआ हो सर पर साफा बांधे हुए। तो बहुत प्यारी सी कविता है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ, शाम एक किसान। पहले बच्चों हम इस कविता के कठिन शब्द जान लेते हैं कि कविता में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं हमारे, पहले हम उसको जान लेते हैं। तो कठिन शब्द हमारे कौन कौन से आए बच्चों? जैसे साफा, साफा एक शब्द आया है जिसको क्या कहते हैं? पगड़ी। सर पे बांधने की जो एक पगड़ी होती है ना उसको कहते हैं साफा। साफा भी बोलते हैं और पगड़ी भी बोलते हैं। फिर हमारा शब्द आया चिलम। चिलम क्या होती है बच्चों? जिसमें वो हुक्का, आपने देखा होगा हुक्का पीते हैं गांव में, उसकी जो चिलम होती है जिसमें कोयला रखते हैं, तंबाकू रख के ऊपर कोयला रख देते हैं सिलका के, वो चिलम कहलाती है। फिर दहकना, दहकना यानी सुलगना किसी चीज़ का, धीरे धीरे सुलगना, जैसे हम अंगीठी में कोयले डालते हैं और वो धीरे धीरे सुलगने लगते हैं उसको कहते हैं सुलगना यानी दहकना। पलाश, लाल रंग के बेटा फूल होते हैं बच्चों, लाल लाल रंग के पेड़ों पर फूल खिलते हैं वो पलाश के फूल होते हैं, एक तरह का फूल होता है। अंगीठी कहते हैं जिसमें हम आग जलाते हैं। और पूर्व, आपको पता है पूर्व दिशा। सिमटा, इकट्ठा होना, सिमट जाना किसी चीज़ का यानी इकट्ठा हो जाना। गल्ले, समूह या झुंड, गल्ला शब्द आया है इसमें, गल्ले उसको कहते हैं समूह या झुंड, ये शब्द आया है इसमें। और एक शब्द इसमें और आया है आपका औंधी पड़ी, औंधी यानी उलट जाना, औंधा होना किसी चीज़ का उलट जाना। एकाएक, अचानक, यकायक मतलब एकाएक। और डूबा हो, डूब जाना यानी डूबा, अस्त होना। ये सब इस तरह के कठिन शब्द इस पाठ में हमारे आए हैं जिनका अर्थ मैंने अभी भी आपको बताया, और जैसे जैसे हम कविता समझेंगे मैं आपको सारे कठिन शब्द अच्छे से अर्थ के साथ समझा दूंगी। तो चलो हम कविता शुरू करते हैं, शाम एक किसान। तो हमारी कविता की जो पहली पंक्तियाँ हैं वो ये हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है एक पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। क्या है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। तो इस कविता में, इन पंक्तियों में हमारे कवि कह रहे हैं कि आकाश का साफा बांधकर उन्होंने क्या है, एक शाम का चित्रण किया है ठंडी की शाम का। और जो एक पहाड़ है, जो एक पहाड़ है उसको किसान रूपी पहाड़ बता, उसको एक ऐसा उन्होंने दर्शाया है जैसे एक किसान बैठा हुआ है जाड़े की ठंडी की शाम को किसान। और जो उसकी पहाड़ के ऊपर ढलता हुआ आकाश दिखाई देता है, क्योंकि पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती है, तो उसके ऊपर जो आकाश दिख रहा है पहाड़ की चोटी से, वो जैसे किसान ने, जो पहाड़ रूपी किसान है उसने आकाश का साफा अपने सर के ऊपर बांधे हुए हैं। क्या बांधे हुए? उन्होंने, आप पिक्चर अपनी इसमें फ़ोटो देखोगे तो फ़ोटो में भी दिखाया है, जो हमारी कविता का फ़ोटो है उसमें दिखाया है उन्होंने कि किस तरह एक जो पहाड़ है उसको किसान के रूप में चित्रित किया है कवि ने। और उसके पहाड़ की चोटी पे जो ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं उन बादलों को उन्होंने क्या बताया है, किसान ने जो साफा बांधा हुआ है अपने सर के ऊपर, एक साफा बांधा हुआ है। और यही के आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, मतलब जो डूबता हुआ सूरज होता है उस समय सूरज डूब रहा होता है शाम के समय, तो उसका रंग कैसा होता है? लाल लाल होता है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है। तो उन्होंने वहाँ सूरज को क्या बताया है? चिलम के समान बताया, जैसे जलती हुई चिलम होती है। चिलम, जैसे मैंने आपको बताया जिसमें तंबाकू रखकर आग जलाते हैं उसको चिलम कहते हैं। तो सूरज की चिलम खींचता, किसकी? सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। मतलब वो जो पहाड़ है वो बैठा हुआ है जैसे वो चिलम पी रहा हो, और जो सूरज है उसको चिलम की भांति दर्शाया है कवि ने कि सूरज ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ जो है वो चिलम को पी रहा है। और बादलों का उसने साफा बांधा हुआ है, जो बादल दिखाई दे रहे हैं, और उसके जो नीचे से नदी बहती है पहाड़ से, आपने देखा है ना ऐसे नीचे की तरफ जो नदी बहती हुई होती है, उसको कवि ने कल्पना करके
कवि ने उसकी कल्पना की है कि वो ऐसी लग रही है नदी मानो उसके पैरों को मतलब उसको चादर से ढका हुआ है। क्या चादर ओढ़े हुए है वो अपने पैरों पर, क्या ओढ़े हुए है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी जो बहती हुई नदी है वो ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी लग रही है जैसे उसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ी हुई है। अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगूठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पास ही दहक रही है पलाश की अंगूठी, सामने जो पहाड़ है उस पर बहुत सारे पलाश के फूल खिले हुए पेड़ों पर, और जो पलाश के फूल खिलते हैं वो इतने लाल रंग के होते हैं कि ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो। तो पास ही सामने क्या दहक रही है, पलाश की अंगूठी। तो पलाश के जो बाग है, जो पूरे पहाड़ पे लगे हुए पेड़ हैं, वो दूर से मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पलाश की अंगूठी जली हुई हो, जैसे वहाँ कोई अंगूठी जल रही है और वो उससे सेक कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको सेक दे रही है अंगूठी, क्योंकि तापते हैं जाड़ों में, आपने देखा होगा ठंडी लगती है तो हाथ ऐसे करके हम अंगूठी पर सेकते हैं। तो वहाँ कवि दर्शा रहे हैं कि सामने पलाश की अंगूठी जली हुई है जिस पे वो क्या कर रहा है, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूर्व में अंधकार धीरे धीरे सिमट रहा है, मतलब आपने देखा होगा जब शाम ढलती है तो अंधेरा होने लगता है, कैसे सिमटे बैठा है, भेड़ों के गले सा, मतलब जब भेड़ झुंड में होती हैं, समूह में होती हैं, तो जैसे वो भेड़ों के समूह होता है ना झुंड, अंधकार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सामने पूर्व दिशा में वो भेड़ों के गले के समान सिमटा हुआ, इकट्ठा हुआ, बैठा हुआ है, यानी सिमट चुका है वो भेड़ों के गले की तरह, ऐसा प्रतीत हो रहा है शाम। बहुत सुंदर सा चित्रण इसमें कविता में शाम का हमारे कवि ने किया है। फिर अचानक बोला मोर, अचानक से मोर के बोलने की आवाज़ आती है, क्योंकि सामने वो पहाड़ पे ताप रहा है, अचानक से वो देखता है कि मोर के बोलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, मोर जैसे बोला अचानक, तो ऐसा लगा जैसे मोर की, क्योंकि वो तो आराम से अंगीठी पे हाथ सेक रहा है, मतलब जो पलाश के फूलों की अंगीठी दिख रही है, ऐसा लग रहा है मानो उस पे किसान, जो पहाड़ रूपी किसान है, वो अपने हाथों को सेक रहा है। अंधकार पूर्व दिशा में भेड़ों के गले के समूह की तरह, मतलब जैसे भेड़ों का समूह होता है, पूर्व दिशा में इस तरह अंधकार बढ़ने लगा है। और फिर क्या होता है कि अचानक से आवाज़ आती है, अचानक से बोला मोर के, आवाज़ कैसी आई, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो सुनते हो, पीछे से एकदम से किसान चौंक जाता है, यानी एकदम समय परिवर्तित हो जाता है, किसान जहाँ जो पहाड़ रूपी किसान बताया वो एकदम से चौंक जाता है। चिलम औंधी, यानी जो उसके हाथ में चिलम है, सूरज रूपी जो चिलम है, वो उल्टी गिर जाती है, यानी सूरज छिप जाता है, उल्टी गिर जाना, चिलम जो इसमें बताया, चिलम औंधी धुआं उठा, उसका मीनिंग है चिलम औंधी यानी सूरज डूब गया है और अंधकार छा गया है। धुआं उठने का मतलब आपने देखा होगा कि जब चिलम नीचे गिर जाते हैं तो उसमें से धुआं उठता है, ऐसे ही उन्होंने उसको कैसे चित्रित किया है कि सूरज डूब गया है, अंधकार धीरे धीरे छा गया है, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, मतलब सूरज डूब चुका है और चारों तरफ क्या हो गया है, वो जो अंधेरा छा गया है। तो कवि ने क्या बताया है यहाँ पे, शाम रूपी किसान, मतलब जो शाम के समय का चित्रण किया है उन्होंने, और पहाड़ रूपी जो किसान है वो क्या किए हुए है, वो साफा बांधे हुए, किसका, आकाश का, वो आकाश का साफा बांधे हुए है, और सूरज को क्या बताया उन्होंने, चिलम की भांति, कि जो सूरज वहाँ पे पीछे दिखता है शाम के समय लाल लाल रंग का, वो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे ये शाम रूपी जो किसान है, जो पहाड़ रूपी, वो चिलम पी रहा है, सामने पलाश की अंगीठी, सामने की पहाड़ पर बहुत सारे पलाश के फूल खिले हुए जो अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं, और वहीं धीरे धीरे सूरज डूबने लगा है, और पूर्व दिशा में भेड़ों के गले सा क्या दिख रहा है, अंधकार, अंधकार कैसा खिसता आ रहा है, पूर्व दिशा में भेड़ों के गले के समान, भेड़ों के समूह के जैसा अंधकार दिखने लगा है, तभी पीछे से अचानक से आवाज़ आती है सुनते हो तो एकदम से चौंक जाती है, जैसे जैसे अंधेरा छाता है तो एकदम जो किसान है पहाड़ों की वो चौंक जाता है, उससे उसके हाथ से चिलम छूट जाती है, मीन्स सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ क्या फैलने लगता है, अंधकार फैलने लगता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे शाम होती है तो धीरे धीरे रात होने लगती है और अंधेरा छाने लगता है। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया,
चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। यानी सूरज धीरे धीरे डूब गया, यानी किसान के हाथ से चिलम छूट गई, वो नीचे गिर गई, मीन्स सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया और क्या हुआ, चारों तरफ अंधकार छा गया क्योंकि सूरज डूब चुका है और अंधकार छा चुका है। तो बहुत प्यारी सी कविता है शाम एक किसान, आपको समझ में आई होगी बच्चों। अच्छे से इस कविता को पढ़ना तो आपको और अच्छे से इस वीडियो को सुनना तो आपको समझ में आएगी। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अच्छे से रीडिंग करना कविता की अपनी पाठ्य पुस्तक से, तो और वीडियो देख के आपको अर्थ समझ में आ जाएगा।